नमस्कार, मुकाबला में मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ और आज हम यहाँ पर मौजूद हैं एनसीसी परेड ग्राउंड्स में और यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि गणतंत्र दिवस के मौके पर जिस तरह से एनसीसी के कैडेट्स सामने आते हैं और अपना हुनर दिखाते हैं, अपना अनुशासन दिखाते हैं और किस तरह से ट्रेनिंग होती है, खास करके हम देख रहे हैं कि जो लड़कियां हैं जो एनसीसी में शामिल होती हैं किस तरह से वो यहाँ पर क्या करती हैं और किस तरह से एक जिंदगी का जो एक तरीका है बिल्कुल अलग उनका हो जाता है। इन सब के अलग अलग पहलुओं से आपको हम परिचित कराएंगे कि किस तरह से कहाँ जाना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, आखिर क्या उनको एनसीसी में लेकर आया, ये सारी चीज़ें आज आपको हम मुकाबला में बताएंगे। अभी जो आपने एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखा है वो इन्हीं लड़कियों ने किया है और इनसे हम बात करके जानेंगे कि आखिर कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है और कितना अनुशासन, कमिटमेंट सबकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। अभी आपका हमने परफॉर्मेंस जो देखा है उसके लिए कितना वक्त लगता है? फाइव मंथ्स प्रैक्टिस। और कैसे, मतलब कितने घंटे पर डे? 4 आवर्स। 4 आवर्स प्रैक्टिस इन मॉर्निंग एंड इन इवनिंग। तो आप अभी किस क्लास में हैं? 11th में। अच्छा, सारे 11th में नहीं है, कुछ हमारे सीनियर विंग 11th में और मोस्ट ऑफ देम 9th में। अच्छा, और ये जो एक आप स्टिक उछालते हैं उसका क्या मतलब होता है, मतलब कई लोग जानना चाहते हैं कि इसका क्या मतलब होता है? उसे स्टिक रन बोलते हैं। हाँ, कि जब मीन्स वो स्पेशल इफेक्ट के लिए ऑफ कोर्स और हमारा फेवरेट है वो, तो बस स्टिक रन, उसका नाम स्टिक रन है। अच्छा, और आप ये पूरा लीड करती हैं? आप कहाँ से हैं तोशानी? मैं बिहार से हूँ। बिहार से? बिहार। अरे वाह, बहुत अच्छा, ठीक है, मैं भी बिहार से हूँ। समृद्धि, आप जब तोशानी लीड करती हैं तो फिर आप भी उनके साथ होती हैं, तो ये कभी ऐसा नहीं होता कि आपको आने का मन ना करे, आप कहें कि मुझे आज मूड नहीं कर रहा है, इस तरह की कोई चीज़? ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, दिस इज द बेस्ट थिंग वी कैन एवर हैव, वी लव प्लेइंग, सबसे अच्छी चीज़ है। सो सबका मन करता है, कोई ऐसा नहीं जिसको कभी मिस करना हो, तबीयत खराब हो तो भी हम करते हैं। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं? आई एम फ्रॉम वाराणसी, उत्तर प्रदेश। वाराणसी, बहुत अच्छी बात है। और गौरी अग्रवाल है हमारे साथ, गौरी आप कहाँ से आई हैं? रुड़की हरिद्वार से। अच्छा, तो आप लोग सब एक साथ एक जगह हॉस्टलर्स हैं और ये इतना प्रैक्टिस करती हैं, और आपके पेरेंट्स जो हैं वो उनका क्या कहना है, मतलब जब देखते होंगे कि अच्छा ठीक है इसमें भी इतना प्रैक्टिस हम कर रहे हैं, अधिकतर हम पेरेंट्स को देखते हैं कि वो बोलेंगे कि ट्यूशन जाओ, मैथ्स पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो वगैरह वगैरह, क्या कहते हैं? पूरा हमारे पेरेंट्स का सपोर्ट है, वी आर वेरी प्राउड ऑफ, इवन दे आर वेरी प्राउड ऑफ अस, एंड वो बहुत खुश है कि हम ये सब कर रहे हैं, उनके साथ की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, इट्स जस्ट दैट। तो आप लोग सब यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो सब आप लोग क्या डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहते हैं? सबका अपना अपना एम है। अच्छा, चलिए डिफेंस में कौन कौन जाना चाहता है, हाथ उठा दीजिए ज़रा। अरे वाह, ओके। और यहाँ पर जो ये जो प्रैक्टिस है इसके लिए तो बहुत बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, आप इसके लिए क्या म्यूज़िक भी पढ़ना पड़ता है तोशानी? नहीं, म्यूजिक नहीं पढ़ना पड़ता हमें, सिंपली हमारे सर हमें सिखाते हैं जो कि मतलब सब कुछ सुनी नहीं सिखाया हमें, ऐसा कुछ स्पेशल क्लासेस नहीं होती, बस हमें कीज सीखनी होती है, प्ले करनी होती है, हाँ बीट्स वगैरह की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए हमें, दैट्स इट, थोड़ी नॉलेज से चल जाता है। अच्छा, आपके सर से भी हम बात करना चाहेंगे, सर अगर आप इधर आ जाएं,
जो इतनी सारी लड़कियों को आप सिखाते हैं, सारे ऑल सेड एंड डन बच्चे हैं सब, कई बार उनको मन करता हुआ शायद ना भी करें, ऐसा भी होता है? बहुत बार होता है ऐसे। हाँ, फिर क्या करते हैं? बस बच्चों को थोड़ा मोटिफिकेशन करके, बच्चों को थोड़ा सा राजपथ का ऐसे बोल करके, तो उनको थोड़ा सा हौसला बधाई करके कि राजपथ पर लेडीज को चलने के लिए बहुत कम मौका मिलता है, ऐसे ऐसे उनको थोड़ा सा मोटिफिकेशन करके और फिर उनको सिखाता हूँ। कई बार तो लड़के आते ही नहीं हैं, आते ही तो बजाना नहीं आता है, तो फिर उनको बार बार सिखा करके फिर उनको बार बार एक चीज़ सिखाता हूँ, तो फिर ऑटोमेटिकली उनको थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। एक मार्च सिखा दिया तो इसको उनको खुद ही फिर अपने आप बोलती नहीं, अभी दूसरा मार्च सिखाओ, अभी तीसरा सिखाओ। आप लोग सब राजपथ पर चलने वाले हैं, तो जब पहले भी आप में से कोई चला है राजपथ पर इस तरह से बैंड को लेके पहली बार है, तो दिमाग में क्या आ रहा है? बस जोश है हमारे अंदर, एक्साइटमेंट है, क्योंकि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम होगा हमारे लिए। लास्ट टाइम? अच्छा। हम एक बार ही आ सकते हैं, तो बस एक्साइटमेंट है और बस करना है। हमारी जो 5 महीने की प्रैक्टिस है वो सब, वो पूरा जोश एक ही बार में राजपथ पे दिखा देंगे। ओह वाह, एक बार में जोश दिखाएंगे आप, एक बार में क्या करेंगे? बस जान लगा देंगे। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं, कहते हैं, जब वहाँ पर राजपथ पर जाते हैं हम लोग, जब देखते हैं तो हमें लगता है कि आप इतनी मेहनत से यहाँ पर रह रहे हैं, मतलब सुबह सुबह प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब राजपथ पर जाते हैं तो लगता है कि सारी प्रैक्टिस जो है अब कल्मिनेट हो रही है, मतलब दिस इज़ द फाइनल मोमेंट, ऐसा लगेगा? बहुत बार डर भी लगता है कि अब क्या होगा, बट फिर हो जाता है, सर मैम मुझे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हो जाता है। अब आप सबों से जानना चाहते हैं, डर तो नहीं लग रहा है? और क्या वहाँ पर जाके क्या सोचेंगे दिमाग में? करके दिखाना है। ग्रेट, थैंक्स सो मच, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत अहम है और जिसे बड़ी इज्जत की नज़र से देखा जाता है, वो है यहाँ का हॉल ऑफ फेम। अब इस हॉल ऑफ फेम में वो कई चीज़ें हैं जिनसे कैडेट्स जो हैं वो प्रेरणा लेते हैं, क्या क्या है आपको दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे साथ गर्ल कैडेट्स हैं, आपका नाम? ग्रेमसी सिक्वेरा। ग्रेमसी, यहाँ पर क्या, जो ये हॉल ऑफ फेम है यहाँ पर क्या क्या है, आप क्या इसको मतलब किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, क्या है ये NCC हॉल ऑफ फेम जो है? इसके 4 भाग हैं। पहला भाग जो NCC के जो कॉमन अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि ये जो हिस्ट्री बताता है, और उधर जैसे बैनर प्रेजेंटेशन, NCC डे, वैसे वो सब दर्शाए गए हैं। दूसरा रूम है आर्मी का रूम, जो सब ट्रेनिंग और एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो NCC कंडक्ट करता है वो उस रूम में दिखाएं। फिर नेवल रूम है, और उसके बाद एयरफोर्स रूम है। तो अग्रिम से आप कहाँ से हैं? मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ, मैं कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर आप कैंप में रह रही हैं इस वक्त? यस। और इसके लिए जो आप ये बता रही हैं हमें, सारी चीज़ें यहाँ पर दिखा रही हैं, इसके लिए क्या स्पेशल कोई ट्रेनिंग होती है? जी, उन्होंने हमें पहले दिन इधर सिलेक्शन के लिए बुलाया था, और जो सब इधर सिलेक्ट हुए हैं अब मोटिवेशन हॉल को हम रिप्रेजेंट करके ब्रीफ करते हैं। चलिए ग्रेम से, फिर हमें कुछ दिखा दीजिए आप यहाँ पर, जो सबसे आपको जो सबसे ज़्यादा लगता है कि इंस्पिरेशनल है यहाँ पर इस हॉल में, जो आपकी जिम्मेदारी है जिस हॉल में? इसमें मतलब मुझे जो बहुत इंस्पायर करता है वो है ये वाला फ़ोटो इधर, जैसे कि आप देख सकते हैं, कैडेट अंडर ऑफिसर प्रताप सिंह, जिनको अशोक चक्र क्लास 3 मिला था प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन से, और दूसरे NCC कैडेट्स जैसे लेट कैप्टन मनोज कुमार पांडे परमवीर चक्र, और लेट कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र। यहाँ पर हमारे साथ अरुंधति। अरुंधति, आप कहाँ से हैं? केरला से। Yes, और यहाँ पर हम यहाँ देख रहे हैं बहुत सारे, मुझे एक्चुअली जाने पहचाने चेहरे भी दिख रहे हैं। Yes, तो ज़रा आप हमें बताएंगे ये जो नेतृत्व के प्रतीक यहाँ पर बताया गया है, जो ये हेडिंग यहाँ पर लगी हुई है नेतृत्व के प्रति, आप हमें बताएंगे यहाँ पर इसके बारे में? इसमें बहुत इमिनेंट पर्सनैलिटीज दिखाई दे रही है, यहाँ स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, हम यहाँ सुभाष चंद्र बोस की भी तस्वीर देख रहे हैं। तो आपको ये नहीं लगता, यहाँ पर हमने पूछा कई लोगों से, उन्होंने कहा कि जो यहाँ पर कैडेट्स हैं उनका मेन जो एक होता है कि वो
आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर तो मुझे पॉलिटिशियंस भी दिख रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन भी दिख रहे हैं। मैम ऐसे नहीं है कि एनसीसी सिर्फ डिफेंस फोर्स की ज्वाइन कर उसके बारे में नहीं है, लाइक इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, हमें लीडरशिप इंस्टिल करने के लिए भी है, दैट्स वाई वी कैन सी नरेंद्र सिंह मोदी सर एंड मनोहर पर्रिकर, इट्स ऑल अबाउट लीडरशिप, हमें लीडरशिप इंस्टिल करने के लिए। आप क्या करना चाहती हैं, आप लीडर बनना चाहती हैं? मुझे आईएएस ऑफिसर बननी है। आईएएस ऑफिसर बनना है, अच्छा बहुत अच्छी बात है। और इनके अलावा और क्या क्या है यहाँ पर? Here we can see some of the historic moments. यहाँ आपको देख सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू इंटरेक्टिंग विद द कैडेट्स, देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री रिसीविंग द गार्ड ऑफ ऑनर, एंड द एनसीसी कैडेट्स दे वर द मेन बैकअप ऑफ 1962 एंड 1965 वॉर। अलग अलग चीज़ें हैं, इसको हर कैडेट को पता है कि यहाँ पर क्या है और कौन सी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा प्रेरणा देती हैं। अब अगले हिस्से में हमारे साथ हैं शिवी, आपका ये हिस्सा आपका यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम है। ये एनसीसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मैम, इट एक्चुअली प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ सारे जितने भी कैडेट्स हैं हमारे, टोटल 14 लाख एनसीसी कैडेट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। उन सारे कैडेट्स में से कुछ सिलेक्टेड कैडेट्स अपने अपने डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए यहाँ इस आरडीसी कैंप में आते हैं। कितने कैडेट्स आते हैं मैम? फॉर डायरेक्टरेट इट्स 110, कंप्लीट इंडिया को 17 डायरेक्टरेट्स में डिवाइड किया हुआ है अकॉर्डिंग टू एनसीसी, एंड उन सारे डायरेक्टरेट्स को रिप्रेजेंट करते हुए अपने अपने डायरेक्टरेट के सिलेक्टेड कैडेट्स यहाँ तक पहुँचते हैं, एंड आगे उनमें भी फर्दर सिलेक्शंस होती हैं जो कि अपने अपने डायरेक्टरेट से जो कैडेट्स हैं वो एज बेस्ट कैडेट्स एज वेल एज वाईपी जैसे कि यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कैडेट्स रिप्रेजेंटेशन होती है। मैं जब यहाँ पर देख रही हूँ इतने सारे कैडेट्स हैं, इसमें बहुत वक्त भी लगता होगा, तो क्या आपकी पढ़ाई कहीं भी सफ़र करती है? मैम एक्चुअली एनसीसी हमें इतना कहते हैं ना इतना शार्प बना देता है कि हमें वो सारी एक्टिविटीज़ को साथ साथ साइमल्टेनियसली कोप अप करना सिखा देता है। लाइक हम लोग यहाँ पर हैं पिछले 1.5-2 महीने से हम अपने प्री आरडीसी कैंप्स लगा रहे हैं, यहाँ पे 1 महीना यहाँ पे देंगे, वापस जाके भी अराउंड 7 डेज हमें डीके टेंग कैंप में लगेंगे, बट स्टिल वी विल ऑल बी वेरी एबल टू कोप अप विद आवर स्टडीज़। तो हाँ कुछ दिन स्टडीज़ मिस होंगी बट We are all very confident. I am very confident on the behalf of all NCC cadets. हम सब चीज़ें कोप अप कर लेंगे। और आप आगे क्या करना चाहती हैं? मैम मैं अभी presently Bachelor of Science in Biotechnology pursue कर रही हूँ from Government PG College उधमपुर in JNK. अभी आगे after my graduation, I'm second year in graduation right now, second year of NCC. And actually my aim is to join Indian Army as an officer. All the best. Thank you so much. Thank you. फर्दर मैम ये जो मॉडल है हाँ ये बेसिकली एनसीसी कैडेट्स के रोल को डिपिक्ट कर रहा है कि कैसे कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट अगर होता है ऑल ओवर इंडिया तो कैसे हम एज अ कैडेट्स अपना रोल प्ले करते हैं। लाइक ज्ञानेश्वरी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था 2010 में एंड वहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे एनसीसी कैडेट्स दे वर देयर हेल्पिंग द पीपल, हर जिस तरह से वो अपनी हेल्प उनकी हेल्प कर सकते थे उन्होंने की। And, तो ये भी ट्रेनिंग एक होती है डिजास्टर मैनेजमेंट। जी ये सारी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट है। रेस्ट डिपेंड्स ऑन यू आल्सो, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर ट्रेनिंग आल्सो कि आप किस चीज को कैसे ले रहे हैं। जी मैम मैं आपका एक्चुअली रुख करना चाहूंगी इस मॉडल की तरफ क्योंकि ये बहुत अहम मॉडल है। एज इट इज मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा May 2016 21st May and 22nd May इन ये दो डेट्स एक्चुअली एनसीसी के लिए बहुत स्पेशल थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन दो दिनों में टोटल 11 वुमेन, जैसे कि आपने कहा गर्ल्स कहीं पीछे नहीं है, 11 वुमेन थी जिनमें कि एक लेडी ऑफिसर थी, एक जीसीआई थी एंड 9 गर्ल कैडेट्स थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट विच इज 8848 मीटर्स हाइट, उस माउंट एवरेस्ट पे दो ट्राई कलर्स अनफोल्ड किए थे, वन वॉज द इंडियन नेशनल फ्लैग एंड द अदर द एनसीसी फ्लैग।